बताने के लिए मना किया था क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना। क्या हुआ, क्या कह रहा था वो? बोलो। वो माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हुआ। अरे मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। फिर भी शायद वो तुम्हें मनाने के लिए किसी से मिलवाना चाहता है, किससे? प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर से। ये वही है जिसने योम सांग जिन की ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांड की डील पक्की कराने में मदद की थी। सच में? उनका नाम डेविड यून है, वो कोरियन अमेरिकन है और हाल ही में कोरिया आए हैं। उनके पास मिडिल ईस्टर्न ऑयल का बहुत पैसा है और वो यहाँ नए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। वो ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हें हेरकिना तो पता ही होगा, वो ब्रांड जो हेन अपने डिपार्टमेंट स्टोर के लिए चाहती है, वो सोल में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोल रहे हैं और इन सब के पीछे डेविड यून का ही हाथ है। हे हाय, हाय, कंग्रेचुलेशंस। फूड कोर्ट का रेनोवेशन तो बहुत कमाल का हुआ है, मैं तो आजकल भूख लगने पर वहीं पर चली जाती हूँ। मैंने भी सुना है तुम वहाँ आती जाती रहती हो। एनीवे, हमारे रॉयल को अभी तुम्हारे लेवल तक पहुँचने में काफी वक्त लगेगा। अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारा रेनोवेशन खत्म होते ही हम हेरकिना को हमारे फर्स्ट फ्लोर के फाउंटेन के पास जगह दे रहे हैं। उसके बाद हम और मेहनत करेंगे। मेहनत तो हमें करनी चाहिए, इतने सक्सेसफुल।